बंदे के नशे नहीं उतरे तुम्हें हंसना है। जो वहां बैठे हैं ऐसे मत हंसना, बहुत जोर से आगे गिरोगे, ठीक है ना। मैंने वहां बैठ के देखा है, पीछे पीछे ऐसे बैठो, सीट बेल्ट लगा लो हो तो। एक तो मेरा, मैं ये शो दिल्ली में रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन वहां पे कुछ टेक्निकल चीजों की वजह से हो नहीं पाया, तो फिर मैंने कहा मुंबई में कर लेते हैं। बस मुझे ये नहीं पता था कि जुलाई अगस्त में मुंबई नहीं आना होता। भाई तुम लोग कैसे रह रहे हो यार यहाँ पे इस ट्रैफिक में, तुम नस क्यों नहीं काट लेते हो अपनी। भाई जिंदगी बीत जा रही है यार लोगों की बैंड्रा तक पहुंचने में। बहुत अजीब जगह है यार कसम से, अजीब ही ट्रैफिक है। 30 मिनट दिखा रहा मैप पे, 31 मिनट बाद फिर 30 मिनट दिखा रहा। तुम्हारे उधर एक अंधेरी की जब वो है ना लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट करके कुछ, तो मैं एक दिन गाड़ी में मैंने उसको देखा, तो फिर मैं सो गया। मैं आधे घंटे बाद उठा तो फिर लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट। तो मैंने ड्राइवर से कहा ये कितनी है यहाँ पे, कह रहा हूँ वहीं खड़े हैं। मैंने कहा यार ले चलना भाई आगे। हाँ दिल्ली फालतू में बदनाम है कि वहां पर सड़कों पर लड़ाइयां होती है, यहाँ हो ही नहीं सकती। तुम्हारी गाड़ी का गेट ही नहीं खुलेगा, उतरोगे कैसे नीचे लड़ने के लिए। यार एक बाल्टी पानी नहीं गिरता, ऊपर से पूरा शहर लाल हो जाता है। हमारा गुड़गांव बढ़िया है, वहां मैप पे लिखा आ जाता है बारिश होते कि आज तो नहीं जा सकते। अब 3 दिन सड़कें दिखेंगी ही नहीं, पूरा शहर डूब चुका है। खैर लेकिन हाँ एक और चीज मुझे बहुत बढ़िया लगती है तुम्हारे शहर की। क्या बढ़िया सड़क पे मेकआउट कर रहे हैं सब, पूरी एक रोड भर रखी है और इतना जज्बा, स्कूटी पे कर कैसे ले रहे हैं। वो जिस चीज के लिए बनाई गई है वो नहीं हो पा रहा उस पर ठीक से, बारिश पड़ रही है छाता लगाई कर रहे हैं। बहुत से याद है, मैं तो धीरे धीरे चलवाता हूँ गाड़ी वहां पे।